हे दोस्तों, जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो कई बार हमें स्टोर में कपड़े देखकर कपड़े तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि इस टाइप के कपड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि आपको उन कपड़ों के नाम नहीं पता होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी कपड़ों के नाम पता चल जाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि कपड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों, कपड़ों को इंग्लिश में क्लोथ्स कहते हैं, इसे हिंदी में तौलिया कहते हैं और इंग्लिश में टॉवल कहते हैं, इसे हिंदी में नहाने का चोगा कहते हैं और इंग्लिश में बाथरोब कहते हैं, इसे हिंदी में जांघिया कहते हैं और इंग्लिश में अंडरवेयर या अंडरपैंट्स कहते हैं, इसे हिंदी में बनियान या गंजी कहते हैं और इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं, इसे हिंदी में कमीज कहते हैं और इंग्लिश में शर्ट कहते हैं, इसे हिंदी में पतलून कहते हैं और इंग्लिश में ट्राउज़र कहते हैं, इसे हिंदी में घाघरा कहते हैं और इंग्लिश में स्कर्ट कहते हैं, इसे हिंदी में पोशाक कहते हैं और इंग्लिश में ड्रेस कहते हैं, इसे हिंदी में ब्लेज़र कहते हैं और इंग्लिश में भी ब्लेज़र ही कहते हैं। दोस्तों, ये एक फॉर्मल वेयर होता है। इसे हिंदी में कोट कहते हैं और इंग्लिश में भी कोट ही कहते हैं। इसे आप कभी भी पहन सकते हैं, मतलब ज़्यादातर ओकेजन में इसे पहनते हैं। इसे हिंदी में जीन्स कहते हैं और इंग्लिश में भी जीन्स ही कहते हैं। इसे हिंदी में रुमाल कहते हैं और इंग्लिश में हैंडकरचीफ कहते हैं। इसे हिंदी में साड़ी कहते हैं और इंग्लिश में भी साड़ी ही कहते हैं। इसे हिंदी में टॉप कहते हैं और इंग्लिश में भी टॉप ही कहते हैं। इसे हिंदी में स्वेटर कहते हैं और इंग्लिश में भी स्वेटर ही कहते हैं। इन्हें हिंदी में दस्ताने कहते हैं और इंग्लिश में ग्लव्स कहते हैं। इसे हिंदी में पायजामा कहते हैं और इंग्लिश में भी पायजामा ही कहते हैं। इसे हिंदी में लबाड़ा कहते हैं और इंग्लिश में गाउन कहते हैं। इसे हिंदी में फ्रॉक कहते हैं और इंग्लिश में फ्रॉक कहते हैं। इसे हिंदी में दुपट्टा कहते हैं और इंग्लिश में स्कार्फ कहते हैं। इसे हिंदी में पगड़ी कहते हैं और इंग्लिश में टर्बन कहते हैं। इसे हिंदी में टू पीस या बिकिनी कहते हैं और इंग्लिश में बिकिनी कहते हैं। ये नॉर्मली लेडीज स्विमिंग करते वक्त पहनती हैं। इसे हिंदी में चोली कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेजियर कहते हैं, जिसे शॉर्ट में ब्रा कहते हैं। इसे हिंदी में महिलाओं की जांघिया कहते हैं और इंग्लिश में पैंटी कहते हैं। इसे हिंदी में टाई कहते हैं और इंग्लिश में भी टाई ही कहते हैं। इसे हिंदी में बो टाई कहते हैं और इंग्लिश में भी बो टाई ही कहते हैं। इसे हिंदी में रेनकोट कहते हैं और इंग्लिश में भी रेनकोट ही कहते हैं। इसे हिंदी में ओवरकोट कहते हैं और इंग्लिश में भी ओवरकोट कहते हैं। इसे हिंदी में फतूही या बंडी कहते हैं और इंग्लिश में वेस्टकोट कहते हैं। इसे हिंदी में जैकेट कहते हैं और इंग्लिश में भी जैकेट ही कहते हैं। इसे हिंदी में गुलबंद कहते हैं और इंग्लिश में मफलर कहते हैं। इसे हिंदी में कमरबंद कहते हैं और इंग्लिश में बेल्ट कहते हैं। इसे हिंदी में टोपी कहते हैं और इंग्लिश में कैप कहते हैं। इसे हिंदी में टोपी कहते हैं और इंग्लिश में हैट कहते हैं। दोस्तों, ये कैप से अलग होती है, ये नॉर्मली राउंड शेप में होती है। इसे हिंदी में शाल या दुशाला कहते हैं और इंग्लिश में शॉल कहते हैं। इसे हिंदी में निक्कर, कच्छा या चड्डा कहते हैं और इंग्लिश में शॉर्ट्स कहते हैं। इसे हिंदी में टी शर्ट कहते हैं और इंग्लिश में भी टी शर्ट ही कहते हैं। इसे हिंदी में टोपी वाला जैकेट कहते हैं और इंग्लिश में हुडी कहते हैं। इसे हिंदी में लहंगा कहते हैं और इंग्लिश में पेटीकोट कहते हैं। इसे हिंदी में जुराब कहते हैं और इंग्लिश में सॉक्स कहते हैं। इसे हिंदी में चमड़े की जैकेट कहते हैं और इंग्लिश में लेदर जैकेट कहते हैं। इसे हिंदी में ऊन का शॉल कहते हैं और इंग्लिश में कार्डिगन कहते हैं।
इसे हिंदी में औरतों के रात के कपड़े कहते हैं और इंग्लिश में नाइटी कहते हैं। इसे हिंदी में पुलोवर कहते हैं और इंग्लिश में भी पुलोवर ही कहते हैं। ये ऐसा स्वेटर होता है दोस्तों जिसमें बटन नहीं होते और इन्हें सिर से पहना जाता है। इसे हिंदी में हाथ का तौलिया कहते हैं और इंग्लिश में हैंड टॉवल कहते हैं। इसे हिंदी में व्यायाम के कपड़े कहते हैं और इंग्लिश में ट्रैक सूट कहते हैं। और इस वीडियो का जो आखिरी क्लोथ है वो है ये, इसे हिंदी में तैराकी की पोशाक कहते हैं और इंग्लिश में स्विम सूट कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 50 कपड़ों के नाम बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको सभी कपड़ों के नाम के बारे में पता चल गया है तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि इस कपड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीणा को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।